नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बागबेड़ा के प्रांगण में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 77वां स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम शिशु, बाल, किशोर तथा कन्या भारती के भैया बहनों के द्वारा विविध कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखन सोरेन के साथ साथ विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष अरविंद सिंह, उपाध्यक्ष सुधांशु पति, कोषाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बागबेड़ा नगर संचालक डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, झारखंड कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी संतोष साहू, विद्यालय के प्रधानाचार्य रंजय कुमार राय, आचार्य जी, दीदी जी तथा विद्यालय के भैया बहन उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर तथा भारत माता का पूजन के साथ हुआ। बता दें कि विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर भैया बहनों ने कई आकर्षक नृत्य, देशभक्ति गीत, भाषण, घोष तथा परेड आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने बच्चों को अपने देश से प्रेम करने की बात कही। वहीं अध्यक्ष अरविंद सिंह ने परिवार के महत्व को समझाते हुए कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हमें अपने संसार तथा परिवार से दूर कर हमें कमजोर करना चाहती है। इन ताकतों से हमें मजबूती के साथ लड़ने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के साथ हुआ। फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।